तो जो लोग भी दोस्तों डीसी की इस मूवी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए एक भाई एक न्यूज निकल कर आई है। इस मूवी को थोड़ा सा डिले कर दिया है लेकिन रिलीज डेट कंफर्म बताई है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ब्लू बीटल मूवी के बारे में, जिसकी जो है वीओडी रिलीज डेट ओटीटी रिलीज डेट निकल कर आ गई है। कंफर्मेशन दोस्तों बड़ी बड़ी साइट्स ने दे दी है। तो रिलीज डेट और अपडेट्स क्या कुछ होने वाली उसके बारे में हम बात करेंगे और हिंदी डब्बे में मूवी आएंगी या नहीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नो डाउट दोस्तों मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपर है लेकिन थिएटर में उतना अच्छा ग्रेट परफॉर्म ये नहीं कर पाई। दोस्तों आप सभी को पता है डीसी जो मूवीज़ अभी इनके आ रही है भाई सब मूवीज़ के साथ में ऐसा हो रहा है। द फ्लैश इतनी बड़ी मूवीज़ के साथ में ऐसा हुआ है तो भाई इस मूवी के साथ में वो क्या ही होना था। बात करें इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर, तो वीओडी यानी कि वीडियो ऑन डिमांड पर रेंटल बेसिस में इस मूवी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ और भी कई प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज़ होंगी लेकिन इन सारी चीज़ों से कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। वो भाई जुगाड़ वाले हैं और वो सारी जगह पर सारी चीज़ों का जुगाड़ कर लेते हैं और वो लेजेंडरी है क्योंकि भाई दिमाग है उनके पास। बात आती है दोस्तों इस मूवी के ओटीटी अपडेट या फिर रिलीज डेट को लेकर। पहले जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि इस मूवी को दोस्तों 19 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा जो कि बिल्कुल कंफर्म था। लेकिन दोस्तों लगभग अभी एक दो दिन पहले ही इन्होंने एक नई अपडेट निकाली है इसकी रिलीज डेट को लेकर और एक हफ्ते का इसे डिले कर दिया है। जहाँ पर दोस्तों ब्लू बीटल मूवी रिलीज़ होने वाली थी 19 सितंबर को, अब वो रिलीज़ होना है दोस्तों 26 सितंबर को। हाँ दोस्तों 26 सितंबर को इसकी कंफर्म रिलीज डेट निकल कर आई है वीओडी पर यानी कि वीडियो ऑन डिमांड पर। और हिंदी डब को लेकर बात करें तो दोस्तों हिंदी डब को लेकर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। चांसेस बनते हैं कि वो हिंदी में आ जाए लेकिन दोस्तों हिंदी डब के जो राइट्स है वो जियो सिनेमा वालों के पास में है क्योंकि आप सभी को पता है कि डीसी यूनिवर्स की जो मूवीज़ होती है वो वॉर्नर ब्रोस की जो मूवीज़ होती है एचबीओ मैक्स में होती है और एचबीओ मैक्स का इंडिया का प्लेटफॉर्म भी जियो सिनेमा बना हुआ है। तो जियो सिनेमा पे ये मूवी आपको थोड़े टाइम के बाद देखने को मिलेंगी क्योंकि दोस्तों ओटीटी पर अभी बॉलीवुड की फिल्म्स जरा हटके जरा बचके या फिर और भी कई सारी मूवीज नहीं रिलीज हुई है। तो ये आपको दोस्तों सितंबर के मंथ में नहीं बल्कि अक्टूबर के मंथ में जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल दोस्तों यही अपडेट है इस मूवी को लेकर। अगर आप वेट कर रहे थे ये खबर थी दोस्तों। क्या कहना है मूवी के बारे में कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगे लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।